आप सब आप अच्छे होंगे हम लोग भी बढ़िया हैं और आज एक और वीडियो लेके आ गए आपके लिए और वो होली स्पेशल वीडियो है जिसमें होली से रिलेटेड जो भी डिशेज होती हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी डिश बनेगी तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना ठीक है और जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना है आपने स्किप नहीं करना है ठीक है तो चलिए फटाफट से बनाते हैं क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी आप लोग देखोगे नहीं स्किप करते रहोगे बार बार तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है किस तरह से बनाना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना ठीक है तो चलिए फिर फटाफट लेट नहीं करते जल्दी जल्दी से बनाते हैं और आप लोग भी फटाफट से नोटिस कर लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ क्या क्या बना रही हूँ तो आप लोग जरूर बनाना इसको ठीक है तो चलिए फिर तो फ्रेंड्स सबसे पहले बनाएंगे हम मसाला मठरी तो मसाला मठरी बनाने के लिए मैंने सौ ग्राम गया है गेहूँ आटा ले लिया है सौ ग्राम मैदा ले लिया है और साथ में मैंने लिखा है सौ ग्राम ही बेसन ले लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पचास ग्राम सूजी डाली है इसमें तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें साथ में मसाले डालेंगे इसमें तो मसाले डालने के लिए मैंने मसाले ले लिए सबसे पहले कसूरी मेथी तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी इसमें और उसके साथ मैंने ये कलौजी डाली है और ये कलौजी भी डाल दी मैंने दो चम्मच डाली है इसमें और उसके साथ ही मैंने अजवाइन भी इसमें डाल दिया है तो ये अजवाइन इसमें डाल दिया है इसके साथ फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर तो ये मैंने एक चम्मच डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे और हमने क्या करना है मसाला मटरी बनाएंगे ना जो तो ये मैं दो तरह की बनाऊंगी तो उसके लिए एक ही डॉल लगाना है हमने और अब इसमें क्या है मॉइन के लिए इसमें हम ऑयल डाल देंगे ये वनस्पति ऑयल है तो इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और जो हमने ऑयल इसमें मिक्स किया है तो हमने ऑयल इसमें इतना मिक्स करना है कि इसका ना मतलब हाथ से जैसे हम पकड़े ना तो ये मुट्ठी बंध जाए तो इतना हमने इसमें मोइन के लिए तेल डालना है ठीक है तो अगर इसमें कम हो गया तो फिर ये ना मतलब सख्ती सी बनेंगी मटरी अच्छी नहीं बनेगी सॉफ्ट नहीं बनेगी और करारी नहीं बनेगी तो आपने क्या करना है इसको अच्छे से इसमें मोइन मिक्स कर लेना तो मोइन मिक्स करने के बाद इसमें हम क्या है पानी डालेंगे तो पानी हमने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है जैसे कि ल्यूकमाम वाटर होता है वो लेना है इसमें और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है एक साथ नहीं डालना क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा तो इसमें हल्का गर्म पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंढते जाएंगे ठीक है तो इसको गूंद गूंथते आना है अच्छे से गूंदना है और उसके बाद गूंदने के बाद इसको हमने क्या करना है कुछ देर के लिए हम इसको इस तरह से मतलब ढक के रख देंगे कपड़े से तो उस कपड़े को भी हमने थोड़ा सा मतलब हल्का सा मतलब हमारे गीला होना चाहिए ताकि ये सूखा ना आटा और इसको मतलब अच्छे से गूंदने के बाद इसको ढका के रख देंगे और ढकाने के बाद हम इसे कम से कम दस या पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह बीस मिनट तक के लिए आप इसको अच्छे से मतलब रखने देना ताकि यह आटा हमारा सेट हो जाएगा तो यही मैंने बीस मिनट तक रखा इसको आटे को और उसके बाद ही हमारा आटा सेट हो गया और उसके बाद फिर हम इसके इसकी मतलब मठरी बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम थोड़ा आटा ले लिया इसमें तो मैंने हाफ ले लिया थोड़ा मोटा सा मतलब आटा लिया ज़्यादा लिया है और उसको अच्छे से हमने क्या करना है मसल लेना है और मसलने के बाद क्या है इसकी मोटी सी रोटी बनानी है हमने मतलब ज़्यादा मोटी भी ना हो ठीक ठाक हो देखिए अब जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बनाना है इसको और पतली नहीं बनानी आपने थोड़ी मोटी सी बनानी है तो अब सबसे पहले क्या है मै मैं इसकी काजू मठरी बनाऊँगी ना जो काजू वाली होती है ना काजू सेप में तो वो बनाऊंगी मैं से और तो इसके लिए मैंने क्या करना है इसको अच्छे से बेल लेना है और उसके बाद फिर क्या करेंगे मैं एक आप कोई भी ढक्कन ले सकते हो और या कोई भी आपके पास मतलब ढक्कन की सेप में ही कुछ चीज़ हो आपके पास वो ले सकते हो आप तो वो मैंने एक ले लिया मेरे पास एक ढक्कन पड़ा हुआ था मतलब एक जार सा था छोटा सा तो वो मैंने ले लिया है तो आप ढक्कन भी ले सकते हो तो प्लास्टिक का ढक्कन भी होगा तो उससे भी काम चल जाएगा बस ऐसे साइड साइड से हमने क्या ना इसको सेब देते जाना है और इस तरह से काजू की सेब बन जाएगी ये देखिए और इसको बस ऐसे ही बनाते जाना है बनाते जाना है तो ये देखिए काजू की सेब बन गई है और इस तरह से ये हमारे काजू वाले मसाला मटरी तो मतलब रेडी हो चुके हैं अब इसको हम क्या करेंगे फ्राई करेंगे तो मैंने तेल पहले से गर्म करने रख दिया था तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको क्या करना है हमने मीडियम फ्लेम में इसको हमने फ्राई करना है ठीक है तो इसको फ्राई करते जाना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको अरार पलट लेना है और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको हम फिर निकाल देंगे ठीक है और इसका ध्यान रखना कि कच्चा ना हो और मतलब ज़्यादा तेज भी ना हो हमारी फ्लेम क्योंकि एकदम से पक जाएगा मतलब तो वो अंदर से कच्चा रहेगा तो इसलिए मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाना हमने ठीक है तो ये देखिए हमारी मसाला काजू मटरी तो तैयार हो चुकी है और अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जो दूसरी वाली जो है दूसरी सेप वाली वो मठरी बनाएंगे तो उसके लिए क्या है हमने पतली सी रोटी जैसे बेल लेना है और उसके बाद क्या है उसको जैसे हम छोटे में पंखा नहीं बनाते थे पेपर से उसी तरह से इसको एक साइड से इधर से पलटना है एक साइड से दूसरे से पलटना है इस तरह से इसको हमने सेब देनी है देखिए अलट पलट लेना है इसको ठीक है रोटी को और उसके बाद इसको फिर हमने क्या है ना मोड़ना है देखिए इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में तो आप देखिए ध्यान से इस तरह से इसको हमने रोल रोल करते जाना है रोल करते जाना है और देखिए इस तरह से ये हमारी क्या है दूसरी मठरी तैयार हो चुकी है तो आप इसको फिरकी वाली मठरी भी बोल सकते हो घिरनी वाली मठरी भी बोल सकते हो कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो तो देखिए देखने में बहुत अच्छी लगती है खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है और तेल तो मेरा पहले से गर्म हो रखा था तो मैंने पहले लो फ्लेम में था अब इसको मैंने मीडियम में कर दिया है अच्छे से तेल गर्म करना है और उसके बाद फिर इसको हमने फ्राई करना है तो ठीक है इसको अच्छे से पकाना है इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे उसके बाद इसको अलट पलट लेना है देखिए और इस तरह से अलट पलट लेने के बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो ये अच्छे से पक जाएगा तो इस तरह से क्या है हमारी ये वाली मटरी भी तैयार हो चुकी है देखिए मसाला मछली ये भी तैयार होगी देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और घर में सब ने तारीफ़ करी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और अब क्या करेंगे हम गुजिया बनाएंगे तो गुजिया बनाने के लिए मैं दो तरह की गुजिया बनाऊंगी तो ये ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया है बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं तो ये मैंने सौ ग्राम क्या है जो खोपा होता है वो लिया है सूखा वाला नारियल इसको मैं ग्रेट कर लूँगी साथ ही में मैंने किशमिश भी ली है और काजू भी लिया है साथ में सौंफ लिया है तो आप अपने मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो ले सकते हो जरूरी नहीं है कि यही लेना है आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो जिस तरह से आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो ठीक है दूसरी तरफ मेरा खोया बन रहा है तो मैं घर पर ही बना रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे को आपको पता है त्यौहार है तो मिलावट होती है तो मैं घर पर ही बना रही हूँ खोया तो मैंने दूध से बनाया है और अब मैंने कढ़ाई रख ली है गैस के ऊपर तो ये मोटे तले वाली कढ़ाई रखी है अब इसमें देसी घी डालेंगे तो खूब भर भर के देसी घी डालना है अपने ठीक है तो इसमें चार मैंने चम्मच डाले हैं भर के देसी घी अच्छे से डालना है कि कमी नहीं करनी है क्योंकि बहुत अच्छे बनेगी फिर गुजिया टेस्ट भी आएगा मज़ा भी आएगा सबको खाने में ठीक है थीके? और इस तरह से मेरा देसी घी भी गर्म कर दिया अच्छे से मैंने कर दिया है दूसरी तरफ मेरा खोया भी तैयार हो चुका है ये देखिए तो अब मैंने क्या करना है इसके में ये देखिए ये मैंने ग्रेट कर लिया है नारियल भी साथ में ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स को भी क्या करना है हमने कट कर लेना है ये देखिए तो इसके दो दो पीस कट कर लेना है हमने ठीक है इसके काजू के भी दो दो मतलब पीस कर लो आप ताकि खाने में आपको पता भी चले कि आप क्या खा रहे हो मज़ा भी आए खाने में और साथ ही में ये मैंने किशमिश है उसको भी मैंने इसके दो दो पीस कर लिए अच्छे से ठीक है तो इस तरह से करना बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है इसको दो दो पीस ही कर लेना आपको अच्छा रहेगा उसके बाद फिर क्या है मैंने सूजी डाली तो सूजी मैंने क्या है ढाई सौ ग्राम लिए और ढाई सौ ग्राम सूजी को अच्छे से हमने भून लेना है ठीक है तो इसको क्या करना है बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है मतलब आपने तेज नहीं करनी फ्लेम क्योंकि फिर ये क्या है सूजी जल जाएगी लो फ्लेम में करने से धीरे धीरे से इसको भूनते जाना है थोड़ी मेहनत जरूर लगती है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनता है जो भी ये डिश बना रहे हैं बहुत टेस्टी बनती है अब इसमें क्या है ये भून गई है अब इसमें क्या करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स और सौंफ वगैरह सब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ठीक है और अब मैंने क्या है शुगर पाउडर बना रखा है घर पर चीनी का बुरा तो वो भी डाल देना है इसमें साथ में मैंने क्या है ग्रेट करवा नारियल भी डाल दिया इसमें तो आपने क्या करना अगर मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ तो आप इसकी जगह क्या है शक्कर भी डाल सकते हो और गुड़ भी डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे गुड़ को मतलब क्रश करके डालना है ऐसे नहीं डालना साबुत क्रश करके डालना तो मैं सुगर पाउडर डाल रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद क्या है इसके हम क्या करेंगे फिर अब इसके लिए डो बनाएंगे हम ठीक है तो सबसे पहले क्या है ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा जो हमने स्टफिंग तैयार करी है गुजिया की अब क्या करेंगे मैंने क्या लिया है इसमें ये मैंने 500 ग्राम क्या है मैदा ले लिया है अब इसमें मैं देसी घी को मेल्ट करके इसमें डाल दिया है अब इसको भी हमने मोइन के लिए डाला है जैसे हमने पहले डाला था मटरी में वैसे ही डाला है और मोइन इतना डालना है कि फिर इसकी ना मुठ्ठी सी बन जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको आपने हाथ उठा के एकदम से मुठी बंद करनी है अगर मुट्ठी बंद रही है तो मतलब परफेक्ट है आपका मतलब आटा जो हमने गूंधना है वो अब इसमें भी मैंने क्या करा थोड़ा सा लीक वाम वाटर लिया है थोड़ा गुनगुना पानी लिया है उसी कटोरी में लिया है देसी घी वाले में और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है उसको गूंध लेना अच्छे से ठीक है और अच्छे से गूंधना है इसको मसलते जाना है अच्छे से और मसलने के बाद इसको भी हम क्या है पंद्रह से बीस मिनट या आप तीस मिनट के लिए भी रखोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आटा इसको भी फिर हमने क्या करना है थोड़ा गीला मतलब जो एक टावल लेना है कपड़ा लेना है उसमें अच्छे से गीला करके इसको थोड़ा सा और उसको रख देना क्योंकि पता क्या मैदा भी न, मतलब एकदम सूख जाता है जल्दी से ड्राई हो जाता है तो तीस मिनट बाद फिर मैंने इसको देखा चेक करके तो आटा बहुत अच्छा हो गया हमारा अब इसको क्या है मैंने आराम से मैंने मैट बिछाई और मैंने बैट बिछा के मैंने कहा अब गुजिया बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है ना फिर थकान हो जाती है खड़े खड़े और गुजिया बहुत सारी बनती है अब मैं ये खोया वाली गुजिया बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने कहा कि एक रोटी बेल ली है अच्छी सी बेलिया उसमें मैंने थोड़ा सा क्या है खोया डाल दिया और थोड़ा सा सूजी वाला जो मिक्सर मैंने तैयार किया था स्टफिंग तैयार की थी वो डाली इसमें ड्राई फ्रूट्स वाली और साइड साइड में मैंने उसमें इसको पानी लगाया और उसके बाद फिर इसको क्या है मैंने फोल्ड कर दिया अब इसको क्या करना हमने एक साथ देखे अब एक साइड से हम इसको फोल्ड करते जाना मोड़ते जाना मोड़ते जाना ये देखिए एक ही हाथ से मोड़ना है ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी करने की बस एक ही हाथ से और जैसे आपको हलवाइयों की बनती है ना गुजिया बिल्कुल वैसी गुजिया बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और प्योर एकदम आपको उसमें कोई भी मिलावट नहीं हुई खोया की भी कोई मिलावट नहीं है किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है एकदम प्योर है और मैंने ये कुछ पहले भी बना ली थी तो ये देखिए तैयार होगी हमारी अब इसको क्या है? हम फ्राई करेंगे तो सबसे पहले मैं दूसरी वाली भी बना के रख देती हूँ क्योंकि एक साथ फ्राई हो जाएंगी ना तो इसी तरह से रोटी बेल ली मैंने और अब इसमें क्या है मैंने सूजी वाला डाला है इसमें सूजी डाले मतलब तो ये मेरे पास मोल्ड पड़ा था ये मेरे पास मोल्ड है तो ये गुजिया वाला मोल्ड और अब क्या है इसमें सूजी वाला जो मैंने स्टफिंग है ना ड्राई फ्रूट्स वाली स्टफिंग इसके अंदर डाल देनी है अब इसको क्या करेंगे हम अच्छे से मोड़ेंगे एकदम फोल्ड करेंगे अच्छे से प्रेस करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना वो आटे को हम निकाल देंगे ठीक है और प्रेस करने का ये देखिए तो ये वाली गुजिया भी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है तो ये सूजी वाली है ड्राई फ्रूट्स वाली और वो मावे वाली है ठीक है हाथ से जो बनाई थी मैंने वो तो आप चाहे तो इसमें डाल के भी बना सकते हो तो इसमें भी इजी बन जाएगी मैंने कहा लिखना आपको मैं दोनों तरह से दिखा देती हूँ कि हाथ से कैसे बनती है और मोल्ड में कैसे बनती है तो मैंने आपको दोनों तरह कैसे दिखा दिया ठीक है और आप लोग ज़रूर बनाना इसको घर में क्योंकि आपको पता है बाजार में क्या ना सब चीज़ मिलावट होती है हर चीज़ में घर पर बनाने से क्या है बहुत मतलब प्योर भी बनती है टेस्टी भी बनती है साथ में आपकी हेल्थ भी सही रहती है तो आप लोग जरूर बनाना इसको ठीक है तो इस तरह से ये मैंने दूसरी वाली भुजिया भी बना ली है और अब क्या करेंगे हम इसको फ्राई करेंगे तो अब मैं क्या इसको तेल तो मैंने अच्छे से गर्म करने रख ही दिया है और साथ साथ मैं क्या चाशनी भी बनाऊंगी मैं तो चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी सबसे पहले और उसमें मैंने दो कप क्या है चीनी ये डाले और एक कप क्या पानी डाला तो अब इसको मैंने अच्छे से पकाने रख दिया है इसको हमने अच्छे से मतलब चलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा क्या है दो इलायची डाली है और साथ में थोड़ा सा केसर डाल दिया ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा इस अच्छा फ्लेवर आए तो वो डाल दिया मैंने और ठीक है इसको भी अच्छे से फिर हमने मिक्स करते जाना है और कुछ देर तक जब तक इसका चिपचिपापन नहीं आता और जब इसमें चिपचिपापन सा आने लग जाएगा तो समझिए कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है तो ये देखिए इसमें ये मैंने इसको टच करके देखा देखो चिपचिपी सी हो गई तो हमारी ये चाशनी रेडी हो चुकी है गुजिया के लिए मावा वाली गुजिया के लिए ठीक है अब तेल भी मेरा गर्म हो चुका है अब हम इसमें गुजिया डालेंगे तो सबसे पहले मैं मावे वाली गुजिया को फ्राई कर रही हूँ तो इसको भी हमने तेल पहले अच्छे से गर्म कर लेना उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में कर देना मीडियम फ्लेम करने के बाद इसको क्या अलट पलट लेंगे हम और ये देखिए इस तरह से क्या है हमारी गुजिया भी फ्राई हो जाएगी तैयार हो गई है तो अब इसको फिर क्या है? हम चासनी है ना उसमें डाल देंगे बस चाशनी में डीप कर लेंगे अलट पलट लेंगे उसको फिर से ताकि दोनों साइड से क्या है चाशनी में डीप हो जाए तो ये वाली चाशनी वाली जो हमारी हवा वाली गुजिया तो हमारी रेडी हो चुकी है अब हमारी दूसरी वाली गुजिया है सूजी वाली ड्राई फ्रूट्स वाली अब इसको भी फ्राई कर लेंगे तो इसी तरह से हमने इसको तेल को गर्म करके रखना और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है एकदम से ऐसे तेज नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर पकती नहीं है फ्राई नहीं होती अच्छे से तो इसको भी अच्छे से हमने इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना ठीक है तो ये भी हमारी फ्राई हो जाएंगी तो ये भी हमारी ड्राई फ्रूट्स वाली जो गुजिया है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है तो इस तरह से है कि हमारी सारी की सारी गुजिया अब तैयार हो चुकी है बहुत मजेदार होंगी आप लोग भी जरूर बनाना अभी से तैयारी करना शुरू कर दो क्योंकि होली आने ही वाली है और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना कमेंट करना और शेयर जरूर करना ठीक है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो ठीक है मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल बाय बाय